दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। जी बड़ी बीबी साहिबा, आपने बुलाया है। कहाँ घूमती फिरते रहती हैं इधर उधर, कब से बुला रही हूँ आपको, कहाँ थी आप? जी मैं तो किचन में थी। अच्छा ठीक है, सलमान साहब को भेजिए मेरे पास और उन्हें कह दीजिएगा कि मैं बुला रही हूँ, फौरन आए। जी छोटे साहब तो अपने कमरे में नहीं है। तो कहाँ है वो? वो तो अभी दफ्तर से ही वापस नहीं आए। अभी तक ऑफिस से नहीं आया? अच्छा ठीक है, आप अरूज को भेजिए मेरे पास। बड़ी बीबी साहिबा, छोटी बीबी साहिबा भी अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ गए हैं दोनों, और घर में किसी को पता भी नहीं है? अल्लाह खैर करे, सलमान तो इस वक्त तक ऑफिस से आ जाता है। ठीक है आप जाएं और जाते हुए मेरा फोन पकड़ा दीजिए। जी लीजिए बड़ी बीबी साहिबा। शुक्रिया, जाइए। खैर करे, इस लड़के का फोन भी ऑफ आ रहा है। सारा ऑफिस खाली पड़ा है, तुम अकेली क्या कर रही हो यहाँ पे? ऐसा भी कौन सा काम है कि तुमने अभी तक ऑफिस बंद नहीं किया? आपको पता है ताईजान, काम ही इतना होता है ऑफिस का। मैंने सोचा कि क्यों ना कल का काम भी आज ही कर लिया जाए। चलो अब असल बात बता दो, क्या है जिसकी वजह से तुमने अपने आप को इन कामों के पीछे छुपाया हुआ है? नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताकि तुम्हें सलमान का सामना ना करना पड़े। उसे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उससे बात करूं या ना करूं? अरुज मैं समझ सकती हूं, सलमान ने जो कुछ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर इदरीस भी मुझ पे कोई इस तरह का बेबुनियाद इल्जाम लगाते तो मैं कभी बर्दाश्त ना करती, कभी उनसे बात ही ना करती। बर्दाश्त ही तो कर रही हूं। लेकिन बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि औरत बहुत कमजोर होती है। नहीं हो तुम कमजोर और ना ही अकेली, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक बात कहूंगी बेटा, प्रॉब्लम से भागते नहीं है, उसका सामना करते। एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में, बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की। सलमान, खुदा ना खास्ता तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है क्या? नहीं। तुम अरुज भाभी पर शक करते? मैंने उस पर कभी शक नहीं किया,
और खुद मुझे मौका दे रही है कि मैं उस पर शक करूं। लेकिन सलमान शक करने की कोई ना कोई बेस तो होगी ना। जानते हो जब सबने मुझे कहा ना मैं माना नहीं, लेकिन जब मैंने खुद अरूज को कहा कि इमाद को निकाल दे तो उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तुम खुद मुझे बताओ क्या मतलब इस बात का? देखो सलमान, तुम इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ना ऐसा हरगिज नहीं। पागल हो जो, पागल तुम अभी हो रहे हो ये बेतुकी बात सोच सोच कर। बहुत बुरी तरह उलझ गए तो इस उलझन को दूर करो यार, डिस्कस करो रुज भाभी से, पूछो कि आखिरकार वो क्यों नहीं निकालना चाह रही उसे। नहीं, अब नहीं पूछूंगा। तुम सीईओ इस कंपनी के, सारा स्टाफ तुम्हारे अंडर काम करता है, और वो स्टाफ नहीं है, वाइफ है तुम्हारी। बैठो उनसे बात करो। मुझे तुम्हारी नाराजगी की समझ नहीं आ रही। तुमने भी तो अपनी बात वाजे करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो पहले ही दिन अपनी बात वाजे करनी चाहिए सलमान के सामने ताईचान, लेकिन सलमान ही नहीं मिला। और जब सलमान मिला तो उसके जहन में कई चीजें फैसला कर चुकी थी। नहीं नहीं गलत सोच रही हो तुम। सलमान जज्बाती होके सोचता जरूर है, फैसला नहीं करता। ये अच्छी बात है कि तुम अपनी बात क्लियर करना चाहती हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर सलमान चाहता क्या है। बहुत जिद्दी है जानती हूं। बिलीव मी, अब वो ना अपने किए पे नदामत कर रहा होगा। आप कैसे कह सकती हैं ये? इसीलिए तो तुम्हारे सामने नहीं आ रहा। मुंह छुपाए फिर रहा है। ऐसा नहीं है। मैं सलमान को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। वो अपने किए पे कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। तुम इतनी बदसन क्यों हो गई हो सलमान की तरफ से? जब सलमान मुझसे बदगुमान हो सकता है तो मेरा पसंद होना तो जायज है। देखो बेटा, हस्बैंड वाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ना तो दोनों में से एक को आगे बढ़ के बात को क्लियर कर लेना चाहिए। वरना बात और बढ़ जाती है और फिर इस तरह से ये जो बेबुनियाद इल्जामात है ना वो भी सच लगने लगते हैं। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोमका, ये कोई पत्थर।
हेलो जी एम एस साहब, आप ऑफिस में? अच्छा एक काम करें, मेरी आज रात की टिकट बुक करवा दें, मुझे इस्लामाबाद जाना है। और हाँ, मैं इस्लामाबाद में 4 दिन स्टे करूंगा तो होटल की बुकिंग भी करवा दें। थैंक यू। तुम इस्लामाबाद नहीं जा रहे? घर नहीं जाना चाहता। इसका मतलब तुम फरार इख्तियार कर रहे हो। ये तो सलमान तब किया जाता है जब कुछ गलत किया। कुछ गलत नहीं किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया। तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला बना रहे। बात पता है क्या है सलमान, तुम सच सुनना ही नहीं चाहते, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मसला। हाँ, नहीं सुनना चाहता क्योंकि इस सच मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। दिस इज एक्चुअली माय पॉइंट। सच यानी कि तुम उस बात पर यकीन कर रहे हो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं है। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई झूठ क्यों बोलेगा, क्या फायदा होगा किसी को? तो तुम तलाश करोगे कि किसी का क्या फायदा है इसमें। बल्कि तुम एक काम करो, तुम्हारी फ्लाइट है ना, तुम जाओ, पर मेरी एक बात याद रखना, जब 4 दिन बाद वापस आओगे ना, ये मसला इतना बड़ा हो चुका होगा। मैं बहुत स्ट्रेस में, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े मसले यूं चुटकियों में सॉल्व करता था, और आज ये वाली बात लेकर। क्योंकि मैं रूज को इस कंडीशन में नहीं देख सकता। क्या तुम शर्मिंदा हो उनसे? नहीं, सिर्फ डरता हूं कि कोई गलत फैसला ना कर दूं। सलमान, सलमान, तो मुझे महसूस हुआ वो कह दिया। हैरानगी की बात यही तो है कि तुमने बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया मुझे। अगर यही बात तुम मुझे दूसरे अंदाज से कहते तो शायद इतनी बुरी नहीं लगती जितनी कि अभी लगी है। अमात को मुझे मिले कुछ ही अरसा हुआ है अभी, और तुम्हारे जहर में इतना जहर घोल दिया कि सी बात को इतना बड़ा मसला बना रहे। बात पता है क्या है सलमान, तुम सच सुनना ही नहीं चाहता, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मसला। हाँ, नहीं सुनना चाहता क्योंकि इस सच मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। दिस इज एक्चुअली माय पॉइंट। सच यानी कि तुम उस बात पर यकीन कर रहे हो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं है। कहाँ हो तुम सलमान, अब तक घर क्यों नहीं आए? रास्ते में हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। एयरपोर्ट? इस्लामाबाद जा रहा हूँ। क्या इस्लामाबाद जा रही हूँ, मगर क्यों? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी के सिलसिले में जा रहा हूँ। ये अचानक कैसे सलमान, तुमने मुझे सुबह भी नहीं बताया। मुझे आपको बताना था, मैं भूल गया था। अच्छा वापस कब आओगे? 2-4 दिन लग जाएंगे, शायद 1-2 दिन और लग जाए। क्या बात है बेटा, मुझे तुम
तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, खैरियत से जाओ और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे। अरूज, मैं समझ सकती हूँ सलमान ने जो कुछ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। एक बात कहूंगी बेटा, प्रॉब्लम से भागते नहीं है, उसका सामना करते हैं। देखो बेटा, हस्बैंड वाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो दोनों में से एक को आगे बढ़ के बात क्लियर कर लेना चाहिए। वो ना बात और बढ़ जाती है और फिर इस तरह से ये जो बेबुनियाद इल्जामात है ना, वो भी सच लगने लगते। सलमान अगर बदगुमान है तो मुझे उसकी बदगुमानी दूर करनी होगी, अपनी अना को रास्ते की दीवार नहीं बनाना चाहिए मुझे। अगर सलमान आगे बढ़कर इस बात को ठीक करना चाहता है तो ठीक है, मुझे भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। जब दो मोहब्बत करने वालों को तीसरे की मशवरे की ज़रूरत पड़ जाए तो ताल्लुक के शफाफ आईने पर लकीर पड़ जाती है। तूने बदले कितने चेहरे। आ जाए। छोटी बीबी साहिबा, खाना तैयार है, चलें चल के खा लें। भूख नहीं है मुझे, मुझे कॉफी लाते हैं। खाने के टाइम पे कॉफी ना ले, ऐसे बंदे का कलेजा सड़ जाता है। मैंने कहा ना आपसे, भूख नहीं है मुझे। बंदा परेशान हो तो भूख कहां लगती है। सलमान नहीं आया ऑफिस से या आंटी के कमरे में है। वो तो खुद मुझसे पूछ रही थी कि छोटे साहब कहां है, फिर फोन मिलाने लगी। किसको? सलमान को शायद, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। आप कॉफी ला दें मुझे। जी, जैसे आपकी मर्जी। सलमान ऑफिस में भी नहीं है तो कहाँ जा सकता है इस वक्त? तो फोन करना ही पड़ेगा।
है सलमान बात ही नहीं करना चाह रहा। एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई अल्लाह ताला ने करम कर दिया, वरना जिस तरह गिरी थी रमशा मोटरबाइक से और बेहोश हुई थी, मैं तो बहुत डर गई थी। डॉक्टर ने भी सख्ती से मना किया रमशा को बाइक के सफर से, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पहली गलती रमशा के प्यार को ठुकराने की, दूसरी गलती खलीजे को अपनाने की। आना सर, बोलो। मैंने इसलिए कॉल की थी कि तुम अभी तक रवाना तो नहीं हुए। बस रास्ते पे। देखो सलमान, अना शीशे की बारीक दीवार की तरह होती है, अगर सर फोड़ना चाहो तो चट्टान की तरह सख्त हो जाती, और अगर उसे गिराना चाहो तो छूने से किरची किरची हो जाती है। मैं तो खुद अभी किरची किरची हूँ। खुद को समेटना बहुत मुश्किल नहीं है? मुश्किल सलमान, अगर कोशिश की जाए तो। एक हाथ तुम्हारा और एक हाथ अरूज भाभी का हो साथ, मगर इस वक्त मुझे अपना हाथ बढ़ाना अपनी तोहफे लग रहा है। दो प्यार करने वालों के बीच कभी खलाव नहीं आनी चाहिए। अगर फैसले का लम्हा गुजर जाए तो फासला कभी नहीं समटता। सलमान, देख लेते हैं ना उसी को मीटिंग में। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। इदरीस भाई, आखिर ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें जाने के लिए सलमान को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो घर से बैग ले जाए? नहीं, कौन सी मीटिंग की बात कर रही हो? वो ही मीटिंग जो वो अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद गया है। हाँ? मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद में कोई मीटिंग है।
ऐसा कैसे हो सकता है इदरीस भाई कि आपको ना पता हो मीटिंग का? मेरी मुझे हर चीज का इल्म होता है, हमने ऐसी कोई मीटिंग प्लान नहीं की इस्लामाबाद, ना ही हमारा कोई इस लेवल का कोई क्लाइंट है वहां कि जिसके लिए सलमान को खुद जाना पड़े। तो फिर सलमान इस्लामाबाद क्यों गया, और वो भी इस तरह के? यकीनन यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसे। देखो मेरी, प्रॉब्लम तो दो ही हो सकती है, या बिजनेस में या घर पे। अब बिजनेस में तो कोई इशू है नहीं, बच गया घर। इसका मतलब है कि घर में प्रॉब्लम है जो सलमान के इस तरह बदले हुए रवैये का सबब बनी? हाँ 100% दुरुस्त, ऐसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम है तो है कहाँ? देखो हम दोनों तो यहाँ खड़े, एक रह गई शाइस्ता, वो तो सलमान से बहुत प्यार करती है, एक फिर बची उरूज। मुझे यकीन है कि इस प्रॉब्लम का सबब उरूज ही है। अरुज, क्या किया है तुमने सलमान के साथ ऐसा? ऐसे क्या मछलियों की तरह आंखें घुमा घुमा के देख रही हो? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। ऐसी ना समझ भी नहीं हो तुम, सब समझती हो अच्छी तरह। मैं क्या पूछ रही हूं, ऐसा क्या किया है तुमने जो मेरा बेटा घर छोड़ के इस्लामाबाद चला गया? आंटी ये बात तो मुझे आपसे पता चल रही है अभी कि सलमान इस्लामाबाद में है। मेरा यकीन करें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मेरी सलमान से बात हुई है। हाँ, जब तुमने मेरे बेटे को नाराज कर दिया तो वो क्यों बात करेगा तुमसे? मेरा यकीन करें, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। अरे वाह रूज, मैं खुद को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो मुझसे भी आगे की चीज निकली। आप बिला वजह मुझ पर गुस्सा कर रही हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अरुज एक दफा मुझे मालूम हो लेने दो, उसके बाद देखना मैं करती क्या हूं। छोटी बीबी साहिबा, आंसू साफ करने से छुप थोड़ी जाते हैं। बल्कि अंदर गिर जाते हैं और फिर सारी जिंदगी का रोग बन जाते हैं। ठीक कह रही हूँ? आपने मुझे बड़ी हिम्मत दी है, खुद भी थोड़ी सी हिम्मत करें। ये कॉफी पिए आप? नहीं, दिल नहीं चाह रहा मेरा। मैं जानती हूँ छोटे सांप थोड़े जिद्दी हैं, लेकिन बड़े मासूम हैं वो। जल्दी रूठ जाते हैं
लेकिन जल्दी मान भी जाते हैं। मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें, मैंने अपनी गोदों में खिलाया उन्हें, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बताए बगैर इस्लामाबाद चला क्या सलमान? मुझे बताया क्यों नहीं? इस बात का दुख है मुझे। नाना, दिल छोटा ना करे। आप तो मेरे बारे में सब जानती हैं ना। मैं फिर भी खुश रहने की कोशिश करती तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, आप भी खुश रहा करें बस। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। गुरुज, यहाँ तुम नाराज बैठी हो और वहां सलमान भाई। किसी एक को तो ये गलत फहमी दूर करनी होगी ना, तो तुम कर दो। अगर इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मुझे अपने किरदार को साबित करना होगा तो ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। उसे इतना ट्रस्ट होना चाहिए मुझ पे कि मैं सिर्फ उसकी हूँ। ये सारी बातें जो तुम मुझे कह रही हो, ये जाके सलमान भाई से कह दो ना। आई थिंक ये सब उसे खुद मालूम होना चाहिए। देखो रूज, अमाद हमारा सिर्फ दोस्त है, लेकिन सलमान भाई और तुम्हारा रिश्ता उससे बढ़कर है। एक खलिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है तू ही सही है। क्यों फोन किया तुमने? ऐसा क्या हो गया सलमान कि तुम मुझे बताए बगैर इस्लामाबाद चले गए? किसको नहीं बताया? मुझे सलमान और किसे? मैंने मुनासिब नहीं समझा। यानी तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती मैं? तुम्हारी बीवी हूं मैं। ये बताने के लिए कॉल किया तुमने मुझे? कहना तो बहुत कुछ है, अगर तुम सुनने को ही तैयार नहीं हो। जो मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं ना, उसके बाद कुछ और सुनने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे सलमान? मेरे अंदाज से पता नहीं चल रहा तुम्हें कि मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता? मगर क्यों? वजह तुम्हें मालूम है। दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मन्नतें भी मानी कसमें उठाई, मेरी दुआ को बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा
मानती हूँ कि सलमान थोड़ा जज्बाती है, लेकिन आजकल वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना, वो बहुत अजीब है। अगर सलमान का रवैया अजीब है तो जरूर कोई बात हुई है। कैसी बात? मुझे ऐसा लगता है कि उरूज और अम्मात की दोस्ती के किस्से सलमान तक पहुंच गए। दोस्ती? कैसी दोस्ती? आप ये बात बार बार कह के क्या साबित करना चाहते हैं? अरे मैं क्या साबित करना चाह रहा हूँ, वक्त और हालात खुद साबित कर रहे हैं। आपको अंदाजा है जिस चिंगारी को आप हवा दे रहे हैं ना, वो भड़क भी सकती है। तुम मुझे क्यों उस बात में घसीट रही हो? इसलिए कि आप सलमान को सही करने के बजाय उसे ठीक कह रहे हैं। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो बहू है आपकी। मैं अपने बेटे के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा ना। सलमान मोहब्बत करता है उरूज से, और आप नफरत। अरे मैं क्यों नफरत करूंगा, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लो, सलमान अब उरूज से मोहब्बत नहीं करता है। आशिकी को तूने जिद कर दिया।